सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, मैं स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो भाई, आज से अपना फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो आप जिसको ऊपर वाले को जिसको भी मानते हो भाई मान लो, और थोड़ा थोड़ा लेक्चर देखते जाओ, और फुल्ली जितना भी हो सकेगा उतना एनिमेटेड वीडियो लाने का ट्राई करेंगे। क्योंकि देखो, फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन भी होता है, तो डेरिवेशन मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तो वो बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे होगा, और बाकी जो चीज़ें मुझे लगेगी ना वो एनिमेटेड दूंगा, जिसमें आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और कम टाइम में ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं होंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे, जिससे आपको बोर भी नहीं होगा और चीज़ें भी क्लियर होती जाएगी। बस गाइस, आपको क्या करना है, आपको हाँ लास्ट में मैं होमवर्क देने वाला हूँ, उसका मुझे आंसर देना कमेंट में लिख के। और गाइस, अपने दोस्तों तक शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो शेयर होगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन आएगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो। तो गाइस चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ एक कॉमेंट जरूर कर देना कैसा लगा। सो गाइस, जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और देखो, अगर आप, पहले बताना चाहता हूँ, 9th, 10th और 7th, 8th में अगर आपको साइंस नहीं समझा होगा, बट 11th से आपका मन है साइंस लेना, पर आप थोड़े कंफ्यूज हो कि यार साइंस समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी चीजें होगी बेसिक से स्टार्ट होगा, और बेसिक से स्टार्ट होगा तो जो चीजें आपकी छूट गई सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो गाइस, फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और अगर अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो बोलू फिजिक्स के बारे में पता रहना चाहिए कि नहीं सबको। बेचारा भोलू कंफ्यूज है कि उसको फिजिक्स का मतलब ही नहीं पता है फिजिक्स क्या होता है। तो बताता हूं मैं, जो आपके सामने गिटार दिख रहा है ना, और गिटार का जो साउंड हमारे कानों में जो आता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है, वो भी क्या है? फिजिक्स है। भोलू समझ रहा है। इसके बाद जो हमारी कार है, कार जो प्रॉपर स्पीड से, कितने स्पीड से चल रहा है, कितने स्पीड से रुकेगा, क्या होगा, उसके बारे में जो प्रॉपर तरीके से बताता है, वो भी क्या है? फिजिक्स है। इसके बाद हमारा रॉकेट, जो एक्शन और रिएक्शन आपको पता है किस किस लॉ के थ्रू पता चलता है, और ये कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करता है, वो भी मेरा क्या है? फिजिक्स है। इसके बाद गाइस, बहुत अच्छा तरीका, रोड, रोड पे अगर हमें चलना है या किसी को चलवाना है, और ये कॉन्सेप्ट को जो एक्सप्लेन करता है, वो भी फिजिक्स है। एज अ मुझसे पूछोगे, सर आपको तो सारी दुनिया में सभी चीज फिजिक्स ही फिजिक्स दिख रहा है, सही बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अभी मुझे देख रहे हो तो आपको कहां फिजिक्स दिख रहा है, फिजिक्स कहां दिख रहा है? तो चलो अब ये तो भाई, ये तो देखो डेफिनेशन भी आपको पता रहना चाहिए, ये चीजें तो हो गई कि आपको सच में, देखो डे टू डे लाइफ में जब चीजों को कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो ही आपको पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो जस्ट पढ़ना ये बोरिंग हो जाएगा। फिजिक्स मतलब परेशानी बढ़ जाएगा, फिजिक्स मतलब परेशानी नहीं होना चाहिए, पी मतलब प्रदीप, एंड प्रदीप मतलब प्यार होना चाहिए गाइस। सो चलो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। किसका ब्रांच है, आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलू साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस का एक ब्रांच है फिजिक्स, जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, ये सभी क्या है, एक साइंस का ब्रांच है। बट फिजिक्स के अंदर किसके साथ डील करते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड फिजिकल थ्योरीज। मेजरमेंट के साथ और जो फिजिकल थ्योरीज होती हैं उनके साथ हम डील करते हैं, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। बट फिजिक्स किसका ब्रांच है, फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है, ये डेफिनेशन है। ये चीजें देखो, मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में यही बताया, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और किसके साथ डील कर रहा है, डील विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड फिजिकल थ्योरीज। ओके गाइस, ये आपको पता रहना चाहिए फिजिक्स होता क्या है। बहुत सारे बच्चों ने देखो 9th में भी फिजिक्स का पार्ट पढ़ा है, केमिस्ट्री का बात पढ़ा है, पर उनको फिजिक्स क्या होता है वो पता ही नहीं। जहां जहां मेजरमेंट कर रहे हैं फिजिकल थ्योरीज के बारे में, जहां जहां समझ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि स्पीड जो हो गया, कार जो चल रही थी, मैं जो चल रहा था, मैं जो रोड पे चल रहा था, जिस स्पीड से मैं भागूंगा, जो फैन ऐसे ऐसे भाग रहा था, ये सभी चीजें, ये सभी फिजिकल थ्योरीज के बारे में जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, वो सभी कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, बोलू आपके फिजिक्स के अंदर, ये हमारे फिजिक्स के अंदर आता है। तो बोलू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलू ने कॉमर्स पढ़ा था फिर भी साइंस में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपका तो होना चाहिए। सो गाइस, अब चलते हैं यूनिट्स। सबसे पहले यूनिट्स का डेफिनेशन देखते हैं, यूनिट्स होता क्या है। तो यूनिट्स एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, यूनिट्स यूज टू मेजर द वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट टाइप के जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम जो यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं यूनिट्स। डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। सबका सिस्टम होता है ना, तो यूनिट का भी सिस्टम है। तो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम यूनिट। फर्स्ट इज CGS, नेक्स्ट MKS, थर्ड जो है हमारा FES, एंड जो लास्ट है हमारा SI। अब देखो गाइस, यहां एक स्टोरी बताऊंगा।
MKS एंड SI, MKS एंड SI दोनों का ये देखा जाए तो दोनों के बहुत सारे यूनिट्स क्या है सेम। जैसे मैं लेंथ की बात करूं, SI यूनिट ऑफ लेंथ, SI यूनिट ऑफ लेंथ, MKS का भी मीटर है, SI का भी मीटर है। ओके, क्लियरली दिमाग में समझ लो। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि मास का SI यूनिट क्या है, तो मास का SI यूनिट kg होता है, और सेम मास का ही MKS यूनिट भी kg होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन, सर SI क्यों बनाया, SI क्यों बनाया, तब जब सेम ही सब चीज था तो क्यों इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत पड़ा कि SI बनाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं जो हमारी कंट्री में हमारे जगह पे अलग यूज होता है, दूसरे स्टेट दूसरे कंट्री में अलग यूज होता है। जस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं, अभी अपने इंडिया की बात बता देता हूं कि एक पसेरी करके एक क्वांटिटी होता है, एक पसेरी करके यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए। कहीं कहीं वो पसेरी मतलब एक पसेरी मतलब 5 kg होता है, कहीं कहीं एक पसेरी मतलब 25 kg होता है। तो हर जगह अगर मेरे अगर 5 है और दूसरे स्टेट में 25, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। अगर मान लो मेरे इधर जिसको मीटर बोलते हैं, अमेरिका में उसको सेंटीमीटर बोलेंगे, तो यहां का गया हुआ बंदा वहां तो अनपढ़ गवार हो गया ना, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, और वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सेम रखा गया। क्योंकि क्या होता था, ये प्रॉब्लम, इसके पीछे प्रॉब्लम क्या होता था मैं आपको बताता हूं। कहीं भी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रखा जाता था, तो दूसरे कंट्री के जब साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठे होते थे, तो वहां का क्या होता था, वहां का यूनिट्स अलग होता था, यहां का यूनिट्स अलग होता था, जिसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था और चीजें समझ में नहीं आती थी। वो कुछ और बोलता था, वो बोलता था आम, सामने वाले को समझ में आता था अचार। इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, जो स्टैंडर्ड यूनिट था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर इसका फुल फॉर्म बोलोगे तो सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये था जो हमारा ये बनाया गया, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्या होता है, सेम यूनिट होता है, इसीलिए SI बनाया गया। वैसे टोटल कितने टाइप्स के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, CGS जिसको आप जानते हो, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड होता है MKS, एंड थर्ड जो है फूट पाउंड एंड सेकंड FPS। पाउंड जो एक्सरसाइज वर्कआउट करता होगा वो सुना होगा, बहुत सारे जिम में जो मशीनें होते हैं उनका जो वेट होता है वो पाउंड में लिखा रहता है। ओके, बट हमारे इधर किलो में यूज करते हैं। ये ज्यादातर आप फॉरेन कंट्री में ये चीजें यूज करोगे, देखोगे कि वहां पाउंड यूज किया जाता है FPS। अब लास्ट है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो मैंने इसके बारे में सबके बारे में स्टोरी बता दी। अब चलते गाइस देखते हैं कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी मेरे दोस्त क्या होता है। तो देयर आर टोटल टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या सर, फिर से बोलू को कंफ्यूजन हो गया, बोलू का मुंह बन गया कि अभी कंफ्यूज था ही फिजिकल क्वांटिटी, इसमें दो और टाइप आ गया। तो भाई ये दोनों टाइप ही ना क्लियर कर देगा, ये जो दो टाइप है ना यही पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो दिमाग में फिट कर लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड नेक्स्ट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब सबसे पहले हम सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। सिंपल सी बात, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती, अपने आप को डिफाइन करने के लिए। उनकी पहचान उनके उनके नाम से ही होती है, उनको खुद कोई जानता है, उनकी पहचान किसी और से नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलती है। सिंपल सी बात, जो क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती, जो क्वांटिटी जो भी फिजिकल क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे जो डिपेंड नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। सर समझ में नहीं आया, तो बताता हूं ना भाई, इतना जल्दी थोड़ी समझ में आ जाएगा। जब हम डिराइव क्वांटिटी पढ़ेंगे ना तो फंडामेंटल क्वांटिटी अपने में समझ में आ जाएगी। बट एक बात याद रखो, ये किसी और पे डिपेंड, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती खुद के मेजरमेंट के लिए। क्या बोल रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं तो समझेगा। अब देखो टोटल सात फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मोल। उस सभी का ऐसा यूनिट भी याद करो और सिंबल भी याद कर लो। ओके, आपके लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये नया होगा, जिसका जो यूनिट होता है वो कैंडला होता है, जिसका सिंबल आपको दिख रहा है CD दिखा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने मोल पढ़ा हुआ है, और बाकी सभी चीजें आपके लिए कोई नई नहीं है, सब आपने सुना हुआ है, बस ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके लिए नया है। तो ये आप दिमाग में फिट कर लो। और टोटल कितने टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, बोलू 7 टाइप्स के। तो बोलो फटाफट बताओ 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बात है, बोलू रेडी हो गए। तो गाइज मैं आपको बता, अभी देखो याद रखो, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते खुद के मेजरमेंट के लिए। अगर मैं आपको बोलू
कि लेंथ का यूनिट क्या है, तो आप फटाक से बोलोगे सर लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का बोलू तो केजी, टाइम का बोलू तो सेकंड, टेम्परेचर का बोलू तो केल्विन। सही बात है। अब इतना दिमाग फिट कर लो, आप देखो अभी समझ में आ जाएगा। डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। ऐसी क्वांटिटीज जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, होती है जो डिपेंड होती है वो होती है डिराइव क्वांटिटी, जो डिपेंड नहीं होती वो होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। पर सर समझ में नहीं आ रहा सर कॉन्सेप्ट क्या है, तो अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, जो डेफिनेशन हो, वो क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अगर मैं वेलोसिटी का यूनिट बोलूं, अगर मैं एक्सेलरेशन का यूनिट बोलूं, आपसे पूछूंगा एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका यूनिट था? ये तो फंडामेंटल यूनिट था ना, ये किसका यूनिट था? फंडामेंटल यूनिट था, फंडामेंटल यूनिट था ना, फंडामेंटल क्वांटिटी में जो हमने यूनिट यूज किया था लेंथ के लिए, याद है आपको? लेंथ के लिए हमने यूज किया था, लेंथ के लिए क्या यूज किया था? मीटर यूज किया था। टाइम किसका था? टाइम किसका, सेकंड किसका था? टाइम का। तो यहां हम लोग जो भी यूनिट यूज कर रहे हैं किसी और का यूज कर रहे हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन का यूनिट आपसे पूछू तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बोलोगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन हो गया ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है। पर अगर मैं आपको लेंथ बोलू, लेंथ, लेंथ याद होगा, लेंथ किसी और पर डिपेंडेंट नहीं, उसका खुद का यूनिट है जो है मीटर। पर एक्सेलरेशन बोलू तो बोलोगे अरे एक्सेलरेशन का तो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और जो मीटर पर सेकंड है उसको बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिराइव यूनिट्स। क्या बोलेंगे? डिराइव यूनिट्स, क्योंकि ये किसी और पर डिपेंडेंट है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला 9 में पढ़ा था, नहीं याद होगा तो बता देता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास, मास का क्या होता है? केजी होता है, एंड जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, तो मोमेंटम का यूनिट क्या बोलोगे? केजी मीटर पर सेकंड। पर केजी मीटर पर सेकंड ये किसका है? फंडामेंटल का, फंडामेंटल का है ना। मास का केजी होता था, लेंथ का मीटर होता था, टाइम का सेकंड होता था। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो फंडामेंटल जो था वो किसी भी डिपेंड नहीं था, बट ये जो है, इसीलिए जो हमारा पी है, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, ये क्या है? हमारा डिराइव क्वांटिटी। और इसके लिए जो यूनिट यूज होता है, जो यूनिट उसके लिए क्या है? केजी मीटर पर सेकंड। इसका मैंने डेफिनेशन लिखा नहीं है, ये डेफिनेशन आप समझ में समझ सकते हो कि जो भी यूनिट डिराइव क्वांटिटी के लिए यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सी यूनिट बोलते हैं? डिराइव यूनिट। जो भी यूनिट यूज किया जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ये दो डेफिनेशन आपको खुद से लिखना है। तो गाइस आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि ये डिपेंडेंट होते हैं, कौन डिपेंडेंट होता है? डिराइव क्वांटिटी। और कौन डिपेंडेंट नहीं होते हैं? फंडा, क्योंकि टोटल सात ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। और यहां आप मुझे दो चार और डिराइव क्वांटिटी लिख के बता सकते हो कि कौन से ऐसे डिराइव क्वांटिटी है कि वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं। जैसे मैंने दो एग्जांपल दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया एंड लीनियर मोमेंटम दे दिया। चलो सिंपल सा वेलोसिटी है, मुझे बता देना वेलोसिटी, ये वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी है कि नहीं है? आप लिख के मुझे बता सकते हो, कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो। सो गाइस वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। जय हिंद दोस्तों।